तो पुण्यात्माओं, आप जी जैसे ये हवन करते हैं कुछ व्यक्ति, और उस सन फाइनल मान रहे हैं कि बस ये काम है, स्वाहा स्वाहा गेर का पाइया घी और हो गए निश्चिंत। अब परमात्मा कहते हैं पांच यज्ञ हैं, ये पांचों यज्ञ करनी पड़ेंगी, इन पांचों यज्ञों से समझो आपके ग्लूकोज का काम पूरा होगा, क्योंकि आप कलयुग में बिल्कुल भक्तिहीन पुण्य कर्महीन हो चुके हो, आप बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुके हो, तभी तो आपके ऊपर आपदा पापताण लाग रही है, एक से एक भयंकर बीमारियां घर कर गई, ना जाने किससे का सुख नहीं, सबका टेंशन हो रही है, और थोड़ी बहुत घर में सुविधा है तो सास बहू की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई होगी तो सारे कुणबे में छींट जाए, फिर उसके वह तेल जैसे छींटे, फिर ससुरन पता लगेगा वो लाठी ठावे, उधर से लड़का आवेगा उसके वो फिर टेंशन में सारा दिन धंधा करे आंदे, फिर वो गृहस्थी घर की ये कड़ा। तो पुण्यात्मा इस सत भक्ति से, परमात्मा की भक्ति से धीरे धीरे आपके अंदर सहनशीलता भी आवेगी, और आपके अंदर नुकसान भी घर में हो जाएगा, फिर लड़ाई ना रहेगी। अब तो जरा सा नुकसान होते बूढ़ा बूढ़िया शर हो जाए, बहू के किसी घर की आ गई, इसने किता देखा नहीं, नो नाश कर दिया, फलाना कर दिया, और ऐसे ही फिर थोड़े दिन पाँच सौ पुत्र वधू लग जाएगी, श्लोक सुनाने उन्हें, फिर वह लोग ध्यान देंगे। तो ऐसे हमने सारा काम बिगाड़ रखे हैं, और भगवान के सत्संग सुनने से, विचार सुनने से, भक्ति की दृढ़ता हो जाने से पहले फिर कुछ तो ऐसे संस्कार हैं जो वैसे ही दूर हो जाएंगे, हमारी लड़ाई होने की नौबत ना आन देगा भगवान, ऐसी व्यवस्था बना देगा। तो पुण्यात्माओं, एक भगत बता रहा था जी, मन ने भी नाम ले रखा, मेरी माँ भी नाम ले रही, मेरी पत्नी भी, बालक भी, पिताजी नहीं ले रहे, और ऐसे ही मैं घर पे गया, मेरी पत्नी ने कुछ बता तेरी माँ न्यू बोली न्यू बोली, और दो एक वर्ष हमने नाम लिए नबी हो गए थे, उपदेश ले रखा था आपका, तो मैं करना होगा छो माँ के गया कि माँ ने धमकाऊंगा आज। इतने में एक व्यक्ति आ गया, ने बोला रे भगत जी ठीक से, उसने ईसा भगत जी कहा, मेरा तो सारा गुस्सा खत्म हो गया, और उल्टा हो गया, भाई माँ तो ये बात कहना मेरा महापाप है, और क्या कहेंगे लोग, इन्हों के भगत होकर लड़े, यानी मालिक कुछ ऐसी व्यवस्था पैदा कर देगा, और अंतःकरण में, क्योंकि एक बार भूल पड़ जाती है वह फिर तुरंत याद आ जाने से हमारी जो भक्ति की शक्ति है, हमें उस दुष्कर्म से, उस बुराई से एकदम खड़े ब्रेक ला जाएगी, कति 4x4, और उस खांचे में तो काट ले जाएगी जिसमें हम गिरना चाह रहे थे। तो पुण्यात्माओं, एक समय की बात है, एक बुढ़िया बहुत लड़ा करती अपने पुत्र वधू के संग में, छोटी छोटी बातों पे, पानी का जल का गिलास भी गिर जाता ना, पता नहीं के कैसे लोग सुनाया करती। एक दिन मालिक की दया हुई, एक पड़ोसन आ गई, यानी उसकी मित्र मिलने जुलने वाली, वो सत्संग में जाती थी, उसने उस बुढ़िया से कहा कि आ जाए सत्संग में चलाएंगे। एक दो बार तो वह नट्टी, फिर तीसरे दूसरे दिन वह चलिए गई उसके साथ। अब सत्संग में कहते हैं साबुन और जल हो और कपड़े साफ करनिया ठीक आदमी हो फिर तो साफ होए होगा। सत्संग साबुन और जल का भी काम करता है, अंतःकरण रूपी इस कपड़े को धोने के लिए अंदर से मैल निकाल देता है। अब उस बुढ़िया ने सत्संग सुना और धीरे धीरे इसी रंग में रंगेगी, बहुत शांति सी हुई, क्योंकि हम जब तक ये विचार नहीं सुनते तो हम वहीं के जो भी रामायण चल रहा है आपस में वह सुनते रहते हैं। जैसे एक बहन दूसरे घर में चली गई, वह न्यू कहेगी हमारी तो इसी बहू है, फलाना न्यू करे है, इसने ऐसा करती है, फिर वह अपनी शुरू कर देगी, अब हमारी भी इसी आ रही है, और फिर वह बात जा फिर दोनों बहुआ दो रहे, फिर वह ठावे लाठी अग तू उड़ा फलानी आगे न्यू को थी, फिर सो झूठ बोला बुढ़िया ना वे मैंने ना कही, फिर झूठी कसम खाती अंड है।
तो ये बकवाद वहाँ ना करके सत्संग में आवे और फिर सत्संग की चर्चा चलावे, बहुत फर्क पड़ जाता है। इतने तो वो एक दिन क्या हुआ, वह पुत्र वधू ने धार निकाल के दूध निकाल के भैंस का, और ऊपर प्रतिदिन टांगिया करती है गज शरिया मोड़ रखा होता, उसमें हुक बना देते हैं और ऊपर कड़ियों में टांग देते थे उसको। वो लंबा होता था 5-6 फुट का, और आसानी से हाथ से उसमें बाल्टी टांग दिया करते कुत्ते और बिल्ली से बचाव के लिए। वह प्रतिदिन दूध उसी कड़े का टांगिया करती हुक के। अब उस दिन उस पुत्र वधू से पता नहीं के ऊक चूक लगी, वो उल्टी साइड में हो गया, वो बाल्टी उसने सोचे टंगिया उसने छोड़ दी बाल्टी, वो गद गिरी नीचे। नीचे गिरने से सारे फरस पे का दूध दूध और बुढ़िया देखे बैठी बैठी। अब वह पुत्र वधू उस बुढ़िया की तरफ देखे कि यो या के श्लोक सुनावेगी तेरे ताई। वह आत्मा फूल गया कि आज तो बड़ी लड़ाई बनेगी। तो बुढ़िया बोली बेटा कोई बात नहीं, यू मारे भाग में ना था, इसने सारे ने साफ कर ले और जितना उठा सके उठा ले और भैंस के उसमें चारे में डाल दे बेटा, तासले में रख के, ये आज हमारे भाग में नहीं था बेटी, कोई बात ना। उसका जची को ना आज बुढ़िया कौन सा स्टेशन पकड़ ली है, ईब तो पहना दिया तो मस्तार दियो, तो वो पर उसका जची नहीं अकत्या करड़ी छो मारी है, अपने बेटे ने सिखावेगी। जब तक उसका पति घर पर नहीं आ लिया उसका विश्वास नहीं हुआ। अब जो वो पति आया पूछा लगा मायू के क्या हो गया कुछ, क्योंकि दूध का वो चिकनाट भी दूर तक फर्श पर लगा हुआ था। तो उसकी माँ बोली बेटा ये दूध गिर गया और हमारे बाग में ना था, आज शुक्र है बेटी का सरना फूटा, इसका पैर ना कटा बाल्टी तें, यानी बुढ़िया फिर भी बहुत सुथरी अच्छी बोली बोली। तो उसका जब बेटा भरा ओहो बुढ़िया में तो इतना परिवर्तन आया क्यों करे, पैर पकड़ दिया अपनी सास के, माँ मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ कर दिए, मैंने भी एक आधी बार आपको ओल्ड शूट बोल दिया। तो उसने फिर बात समझ मारी थी, सत्संग इसी का नाम होता भाई, इसका असर है तो सत्संगी है और आपका असर नहीं है बेसिक नाम ले रहे हो और भगत कवाओ, भक्तों जैसे लक्षण नेता भक्त नहीं हो। और अपनी सास में परिवर्तन देखकर उस पुत्र वधू ने भी नाम लिया, उसके पति ने भी नाम ले लिया और पूरे घर का उद्धार हो गया। तो पुण्यात्माओं ऐसे हमने सत्संग में आने से हमारी ये इस तरह की जो समस्याएं हैं इनका भी समाधान आराम से हो जाएगा, धीरे धीरे, एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होगा। पर कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धके धनी के खावे, सौ काल जग चोली, पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब ट्रीटमेंट शुरू हुआ आपका, तो हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे हम साधना करते हैं तो कोई तो एक हवन यज्ञ ही करके अपने आप को संतुष्ट मान लेता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, और कोई एक स्वाध्याय कर लेते हैं, गीता जी का एक अध्याय पाठ कर लिया, या कोई वेद के कोई मंत्र 5-4 याद करके दिन कई कई बार उनको रिपीट कर लिया, कोई कुछ कर रहे हैं कोई कुछ कर रहे हैं। तो परमात्मा ने आकर के हमें ये यथार्थ विधि बताई है कि 500 यज्ञ करनी पड़ेंगे आपने। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान। अब ये जो सत्संग आपको सुना जा रहा है ये तत्व ज्ञान, ये ज्ञान यज्ञ है। आप जी यहाँ दान करते हो, आप जी धर्म करते हो, आपने जो पैसा दिया परमात्मा को दिया,
आप सभी उपदेशी हैं, आपका दिया हुआ दान एक बहुत ही पवित्र पैसा होता है, और फिर यह भगवान के दरबार में इसका पर आपकी तरफ से नियमत से छोड़ा गया, ये परमात्मा की कृपा से ये शुद्ध हो जाता है, और फिर इस दान से इस द्रव से यहाँ पर आपके लिए परमात्मा के बच्चों के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, सेड बनाया, पंखे लाए हैं और मैट रजाई सब आपके लिए व्यवस्था की गई, फिर ये भोजन भंडारा यहाँ पर, ये वो पवित्र स्थल है पुण्यात्माओं, शायद इस पृथ्वी पर कहीं ऐसा आहार आपको मिले। वैसे तो रोटी तो सभी खाते हैं अपने घर पर, घी दूध भी प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 तक कहा है कि जो यज्ञ किया जाता है और यज्ञ से बचे हुए अन्न को जो खाते हैं पुण्यात्माएं, उनके बहुत से पाप नाश हो जाते हैं। यहाँ वो विधिवत साधना है परमात्मा की, शास्त्रानुकूल साधना है, प्रभु को भोग लगाया जाता है, उस बचे हुए अन्न को प्रसाद को आप जी में वितरित किया जाता है, जिससे जो परमात्मा का यथार्थ विधिवत जो प्रसाद बनता है वो 21 ब्रह्मांड में नहीं है, जो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर है। तो ये भोजन आपको प्राप्त होता है, ये हलवा प्रसाद बना रखा है परमात्मा का, सबसे पहले निकाल कर रख दिया जाता है, उनके समर्पित होता है, उसके बाद फिर आप जी को वितरित किया जाता है। यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को जो खाते हैं उसको बहुत पुण्य होता है, उनके बहुत से पाप नाश हो जाते हैं। तो ये वो स्थान है। तो यहाँ आप जी द्वारा दिए गए दान से आपको पुण्य होगा, लेकिन खाने वाले को इस दान की हानि नहीं होगी, इस अन्न के खाने से हानि नहीं होगी, और बगैर किसी, जैसे जहाँ शास्त्र अनुकूल अनुष्ठान नहीं है वो यूजलेस है, और वहाँ अन्न खाओगे तो आपके ऊपर भार बनेगा। परमात्मा कहते हैं खैर चिड़ा ना खा अज्ञानी गूदरे, उसको नहीं खाना आपने। कहीं भी कोई अनुष्ठान कर रहा है वो नकली है, डुप्लीकेट व्यक्ति है, उसके द्वारा किया गया वो यज्ञ ओरिजिनल नहीं है, और उसका अन्न खाने से आप पर भार बनता है, उससे बचना है आपने। तो परमात्मा कहते धर्म तो धस के नहीं ये दस के तीनों लोके, खैरायत में खैर है कि जय आत्म पोखे। अपना आत्मा, अब जैसे एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान और तीसरी यज्ञ है हवन की और चौथी यज्ञ परिणाम। अब यहाँ पर जो है प्रथम यज्ञ धर्म की, आप जी के द्वारा दिया गया द्रव्य यहाँ भोजन भंडारे में, यहाँ पर रजाई लाते हैं, बिस्तर लाते हैं, मैट लाए हैं, पंखे लगाए, शेड बनाया, फर्श बना रहे हैं, सारी बर्तन खरीदे आप जी के लिए, आप के द्वारा दिए गए धर्म से ये भोजन भंडारे का व्यवस्था की जाती है, ये धर्म है। और एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, ध्यान मीन परमात्मा में विशेष कसक, आपकी बुद्धि परमात्मा में कुछ देर रुक जाना, परमात्मा की तरफ कुछ देर डाइवर्ट होना, नॉन एज मेडिटेशन, परमात्मा की याद आना, यो ध्यान है। तो यहाँ आप जब सत्संग में आने से पहले आपका मेडिटेशन शुरू हो जाता है, जैसे कोई सर्विसमैन है या कोई अपना मजदूर है, दुकानदार है, किसान है। अब समस्या क्या है कि एक घर में एक ने नाम दे रखा है और चार पांच अनुपदेशी है। अब जिसने उपदेश दे रखा है, यहाँ जो अमृत ज्ञान जिसके कानों में चला गया वो ना डटा डटा किसे,
और वो फिर आने की चेष्टा करता है।